रे सलील कैमरामैन, ये क्या है तेरे हाथ में? हिमानुष सुनो देवी और संजनो, और आज हमारा सफर शुरू होता है देवरिया ताल से चौपता उत्तराखंड के लिए। यह लगभग 2 घंटे का रास्ता था, लेकिन जैसे जैसे हम पहाड़ों के ऊपर जाते जा रहे थे, रास्ते में बर्फ की लेयर भी बढ़ती जा रही थी। और हमारे ड्राइवर भैया को इसका ज़्यादा एक्सपीरियंस ना होने की वजह से उन्होंने 12 किलोमीटर पहले ही गाड़ी रोक दी जहाँ हम आज रात को स्टे करने वाले थे। So you can see this is our cab and we cannot go further because all over the road there is one hard ice layer and we just started walking. Yeah. This is gonna be the situation if we try to go with the car. That's why we started walking and it's around 12 kilometer to walk. 12 kilometer. 12. और उसके बाद शुरू होता है हमारा अनप्लान्ड एडवेंचर जिसको किसी ने एक्सपेक्ट भी नहीं किया था। 12 किलोमीटर वॉक पहाड़ों पे। कुछ लोग इस डिसीजन से काफी खुश थे और कुछ लोग नहीं। मैं तो काफी खुश था यार, हम लोगों के साथ था थोड़ा वो हो गया, पता नहीं मजे की बात है या खराब बात है। देखो बर्फ देखो आसपास, आइस गंदी, तो गाड़ियाँ जो है चलनी होगी बंद। तो इन्होंने बोला 12.5 किलोमीटर खुद चल के जाओ। बताओ ये भी तो बात हुई। देखो हमारे दोस्तों के हाल देखो, चलो 4-5 घंटे चलना है हमको मिलियन से। ठीक है ओए, सब ठीक है, सब ठीक है। ये हमारी जो दोस्त है बोल नहीं रही है, बट अच्छा नहीं है। ओए भाई मरेगा क्या, क्या कर रहा है तू, क्या प्रॉब्लम क्या भाई साहब? अरे सलील कैमरामैन, ये क्या है तेरे हाथ में? आग बनाएगा हिमानुष, ये आज के दारू का चकना तो नहीं है? अरे कितना रिस्क्यू डाल के पीना था। मैं पूरे रास्ते मस्ती करते हुए जा रहा था, लेकिन उसी बीच हमारे इस न्यू फ्रेंड के लिए कुछ ज्यादा ही हो गया था। सो ओए व्हाट्स अप, व्हाट्स हैपनिंग? एक्सरसाइज। ओके, हाउ इज द 12 किलोमीटर ट्रैक गोइंग? इजी पीजी। Can you fold more? Then what are you trying to do here? Just warm up. What kind? Gonna sprint now? What kind of warm up is this? तो खुशखबरी है, हमें गाड़ी मिल चुकी है खड़ी बाहर। ये बंदा चला ले रहा है गाड़ी बिना चेन लगाए, ये क्योंकि हम 2 किलोमीटर चल के आए तो रिफ्यूलिंग तो चाहिए है ना। क्यों? Yeah, I need 700 calories. और उसके बाद के सफर में हम पहाड़ों की इन खूबसूरत वादियों से होते हुए लगभग आधे घंटे में पहुंचते हैं बन्याकुंड। यहां से हमारा कैंप लगभग 500 मीटर वॉकिंग डिस्टेंस पे था, और जैसे ही हम अपनी गाड़ी से नीचे उतरते हैं तो हमें मिलते हैं ये पहाड़ी डॉग्स जो सुबह सुबह ठंड में आराम से बैठकर सूरज की पहली किरण का मजा ले रहे थे। लेकिन उनमें से सबसे ज्यादा मुझे पसंद आया ये छोटा पप्पी। और फाइनली हम थोड़ी देर में वॉक करते हुए निकलते हैं अपने कैंप की तरफ, लेकिन इस बार हमारे गाइड के साथ साथ हमारे साथ ये गोस्ट भी था जो हमें हमारे कैंप तक ले जाने में हमारी मदद कर रहा था। गोस्ट कम कम, एंड गोस्ट इज जस्ट बिहाइंड मी, यू कैन सी आवर न्यू फ्रेंड, ही जस्ट जॉइन अस, एंड हियर सिद्धार्थ इज स्ट्रगलिंग गोइंग इनसाइड द स्नो एंड देन कमिंग आउट। और करीब 20 मिनट वॉक करने के बाद हम फाइनली पहुंचते हैं अपने इस ब्यूटीफुल कैंप में। ये चारों तरफ से बर्फ और खूबसूरत पहाड़ों से घिरा हुआ था, और यहाँ की तेज ठंड हवाएं ऐसी थी कि आपको पूरा झकझोर के रखते। ठंड है। So, what we have? What is it? Peanuts. No, I have one chocolate which you gave me in the bus. I saw bottom. Okay, no, not eating that.
कैंप में थोड़ी देर रेस्ट करने के बाद मैं हमेशा की तरह अपना कैमरा लेके निकल जाता हूँ अकेले कुछ अच्छी और नई चीजें एक्सप्लोर करने। और इसी बीच मैंने कुछ स्पॉट ढूंढे जहाँ मैं रातों कुछ फोटोग्राफी करने वाला था। बर्फ की काफी शानदार लेयर है। चलो हम आपको ले चलते हैं टेंट पे। फिलहाल ठंड बहुत ज्यादा थी वहां और रात भी होने वाली थी। उसके बाद हमने डिनर किया और अपनी रजाई तान ली। तो चलो मिलते हैं अगली सुबह। स्लिपरी सो आना। गुड मॉर्निंग लेडीज एंड जेंटलमैन, टुडे इज थर्ड डे राइट? थर्सडे थर्सडे थर्ड थर्ड डे या सेकंड डे हियर थर्ड डे सेकंड डे इन चोप्ता या ओके सो बेसिकली यू कैन सी आवर दिस आवर कैंप वेरी बिग एंड वार्म बट आउटसाइड अ लॉट ऑफ स्नोस यू कैन सी इट एंड देन व्हेन वी वेक अप एंड ओपन द डोर परफेक्ट व्यू इन फ्रंट ऑफ अस लेट यू एंजॉय सो हाउ वाज योर स्लीप It's really slippery, bro. You need to carefully and have the skill to walk, okay? If not, all of your shoes, your socks will get wet, and the body also can get wet. And what about your sleep? My sleep, perfect. Perfect? Yeah, yeah, yeah. Of course. What? You were farting whole night. you can fall and then the whole body here. No. I don't want to do that. The happy new year. La 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 la. Where did you poop, bro? I am telling you. I have a long story. Okay. What happened? तो सुनो देवी और संजनो, हम आए हुए इस ब्यूटीफुल जगह और टेंट में एक टॉयलेट, पर हम सबने वीडियो किया कि टेंट में भी टट्टी नहीं करेगा। नहीं नहीं, ये रीजन नहीं था, हमने उस पे बर्फ डाल दिया ये सोची कि वो पिघल जाएगी। ये भी हमने बर्फ डाल रखी उसमें इतनी, तो बैठ ही नहीं सकते अंदर। फिर हम लोगों ने जगह ढूंढी उधर जाके कोने में, दिखाई कैमरा मैन वहां ये सारे टेंट के पीछे, वहां पे एक स्नो है काफी, जैसे एकदम सॉफ्ट वाली, सॉफ्ट स्नो है वहाँ, आज तक कोई नहीं गया, बिल्कुल सॉफ्ट। तो ये ऐसे ऐसे स्नो वहाँ ये इतने बड़े बड़े गड्ढे उसमें बैठे ऐसे, और कितनी टट्टी। उधर से कोई फोटो भी ले रहा था यार, फोटो ले रहा था कोई, कसम से आप, और व्यू की ले रहा था। ओ एंजॉय योर व्यू, बड़ा हरामी हो। और सब कुछ सेट होने के बाद हम सब तैयार थे अपने तुंगनाथ ट्रैक के लिए, बस वेट कर रहे थे अपने गाइड का, क्योंकि वो हमारा लंच पैक करके ला रहे थे। और इस खूबसूरत व्यू को देख के हमारे सिद्धार्थ भाई साहब ने एक शानदार सा क्वेश्चन पूछा, जिसका आंसर मुझे आज तक नहीं पता चला। अगर आपको कुछ आइडिया है इस चीज के बारे में तो शेयर जरूर करना। क्वेश्चन क्या था आप सुन सकते हो, और मैं आखिरी में एक बार वापस एक्सप्लेन कर दूंगा मैं। कैसे हो रहा है? इस पहाड़ पे बर्फ है, सामने वाला बर्फ नहीं है, फिर उसके नेक्स्ट पे बर्फ है, ये नेक्स्ट वाला हाइट पे, और ये तो हम तो इससे नीचे हैं, हमारे पे कैसे यू यहां पे है, और कौन से वाले पे नहीं है? यहां पे है और लास्ट वाले पे, बीच वाले दोनों हरे हैं। अगर आपको क्वेश्चन क्लियर नहीं हुआ तो मैं एक बार वापस रिपीट कर देता हूं कि जिस पहाड़ में हम बैठे हैं उस पे बर्फ गिरी हुई है, और दो पहाड़ छोड़ के नेक्स्ट पहाड़ पे बर्फ गिरी हुई है, मतलब बीच के दो पहाड़ हरे हैं। तो ऐसा कैसे हो सकता है कि बीच के दो पहाड़ हरे हैं और साइड के दो पहाड़ पे बर्फ गिरी हुई है, मतलब क्या लॉजिक है इसके पीछे? तो भैया रेडी? और इसी बीच हमारे गाइड भैया आते हैं हमारा लंच लेके, और हम सब निकलते हैं अपने तुंगनाथ ट्रैक के लिए, जहां हमने ढेर सारी मस्ती की। लेकिन ये सब हम आपको दिखाने वाले हैं अपने अगले ब्लॉग पे।
तो अगर आपको हमारी कहानियाँ पसंद आती हैं तो आप हमको बता सकते हैं, और इस क्वेश्चन का आंसर अगर आपको पता चलता है तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर लिख के बताएं। तब तक के लिए चलो बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।